दोस्तों ये रियलमी का 2 मोबाइल है और इस फ़ोन में दुकानदार भाई ने मुझे बोला है कि ये सॉफ्टवेयर करने के बाद में है जो सेट डेड हो गया है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो है ये पूरी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन जिसने भी दबा नहीं रखा है वो दबा दें। और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे हर चीज़ के, तो वहाँ आप जुड़ सकते हैं और आप अपनी राय जरूर रख सकते हैं। वहाँ पे क्या है क्या नहीं है आप पूछ सकते हैं हमसे। दूसरा ये है कि ये फ़ोन अभी मेरे पास डेड कंडीशन में आया। अब इसको मैंने अगर डीसी पे लगाएं तो डीसी पे ये स्टक हो रहा है। फ़ोन है जो अगर मैं डीसी पे लगाऊंगा तो ये 70-80-100 पे जाके ये स्टक होता है ये फ़ोन। और इसी की वजह से वो सॉफ्टवेयर अगर उन्होंने किया है उसी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो मैं एक बार इसको खोल के देख लेता हूँ कि क्यों ये दिक्कत आ रही है। अभी जैसे कि आप मदरबोर्ड को देख रहे हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीपीयू के आसपास ही अपन देखेंगे कि सीपीयू एमएमसी के पास, ओहो इसमें क्या है, सीएलके की लाइन है। चलो ठीक है, वो तो उन्होंने डायरेक्ट कर रखा है। आपको मेन मदरबोर्ड जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रखा होगा, जो नीचे की लाइन है आपकी, जो सीएलके का लाइन है, वो तो इसका क्लियर है। इन्होंने इसको शॉर्ट किया है, कोई दिक्कत नहीं, इसे शॉर्ट करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर के साइड में जो सीपीयू का रजिस्टर लगा हुआ है 10 किलो ओम्स का, वो इसमें इसका आप देखेंगे उसको भी इन्होंने ये डायरेक्ट कर दिया है। अब ये डायरेक्ट कर देंगे तो होगा ये कि ये फ़ोन है जो ऑन नहीं होगा। अब इसको 10 किलो ओम्स के रजिस्टर को हमें डालना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है तो आप उससे बिल्कुल लगा के इसको कर सकते हैं। और मैं अभी क्या करूँगा, मेरे पास एक सेम सेट भी पड़ा हुआ है, तो एक बार उसका आप देखेंगे तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो एक बार इसका जल्दबाजी में अभी वीडियो बना रहे हैं हम, तो इसके हिसाब से हम इसका वो जो रजिस्टर है उसको डालेंगे। और ये रजिस्टर है, अगर आपको लगाना है तो आप बिल्कुल 10 किलो ओम्स का लगा सकते हैं। और ऊपर का नीचे का जो है सीएलके का पॉइंट, वो शॉर्ट इसको कर सकते हैं अपन। जैसे कि मैं तुमको दिखा दूं अभी कि ये कैसे क्या होगा। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और बेल आइकन जिसने भी नहीं दबा रखा है उनसे एक ही बात कहूँगा कि बेल आइकन भी दबा लें। नीचे का आपको मैं दिखाऊंगा इसका, तो सीएल के पॉइंट कभी भी शॉर्ट रहता है आपस में। ये देखिए शॉर्ट है। ऊपर नीचे ऊपर का 10 किलो ओम्स का रजिस्टर है, उसको भी आप डाल सकते हैं। और जैसे उसको डालेंगे तो आपका काम है जो आसानी से हो जाएगा। अभी अपन हल्का सा पेस्ट लगा देंगे यहाँ पे, और पेस्ट लगा के फिर अपन इसको एक बार निकाल देते हैं। इससे पहले पहले डायरेक्ट अगर मेट पे हीटिंग लगाएंगे तो मेट ख़राब होगा, इसलिए मैं इसके नीचे ये रख देता हूँ। और जो अपना चिमटी भी आपको अच्छा ही लेना है, नया हो तो नया लेना है, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं नया ही ले रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं अभी, तो अभी अपन इस रजिस्टर को निकालेंगे और उस वाले बोर्ड पे अपन लगाएंगे। ठीक है, ये निकल गया। इसको एक बार साइड में रख देते हैं, चिमटी को ऐसे ऐसे रख देते हैं, वो चिपका हुआ उस पर। और यहाँ पे अपन पेस्ट लगा देते हैं, और ऊपर का जो उन्होंने डायरेक्ट कर रखा है उसको अपन हटा देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसको मैंने लगा दिया है, और यहाँ पे जो अपन ने रजिस्टर अभी उठाया है उसको अपन
यहाँ पे लगा देंगे। इसके लिए थोड़ा सा क्या है, हीटिंग का भी ध्यान रखना है दोनों चीज़ों का। हल्का सा हीट लगेगा, ये बैठ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि अपने पीपीडी लगा रखी है ना। ये भी लग चुका है, ये देखिए जो आपको रेजिस्टर नजर आ रहा है ये वाला, ये अपन ने अभी डाल दिया है। अब अपन एक बार फोन को है जो ऑन करके देखते हैं कि अपना फोन ऑन होता है या नहीं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि फोन ऑन होगा या नहीं होगा, लेकिन वैसे इससे अगर परेशानी है तो फोन ऑन होना हो जाना चाहिए। हो सकता है बैटरी लो हो इसका। देखते हैं पहले ये कोई करंट ले रहा है नहीं ले रहा है, चार्ज नहीं हुआ ये। एक बार मैं इसको डीसी पे चेक करता हूँ। अभी भी ये जो फ़ोन है वो 100 पे जाके रुका हुआ है। अब क्यों रुका हुआ है मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने खाली नॉर्मली इसको चेक किया है, कोई लाइन इन्होंने ब्रेक तो नहीं कर दी है। हो भी सकता है क्योंकि बहुत सारी जगह पे इन्होंने छेड़ रखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कोई लाइन इन्होंने ब्रेक कर दी हो। बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स तो ये सब कुछ सही होने के बावजूद भी इसमें नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी EMMC की फॉल्ट है। तो चलिए देखते हैं बाद में। तो फ्रेंड्स ये किसी ने इसकी ISP पिन आउट को ख़राब कर दिया था, और अभी जैसे कि मैंने इसको देखा फिर से तो DC पे अपन लगा के देख रहे हैं तो ये स्टक है जो 110 पे जाके अटक गया है। प्रॉब्लम ये है कि अभी फ़ोन सही हो गया है, लेकिन ये जो EMMC है वो इसकी डेड हो गई है, क्योंकि MI का जो Realme 2 या A3S जो होता है इसका स्टोरेज बहुत कम होता है। 16 GB के स्टोरेज की वजह से ये फ़ोन है जो डेड हो जाता है। इसकी प्रोग्रामिंग के बाद ही ये फ़ोन सही हो सकता है, या फिर इसकी डेड हो गई है EMMC। और इसको इस एक वीडियो और पार्ट में आएगा, उसको भी देख लेना आप, इसको वो भी मैं करके देख लूँगा कि इसमें ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो बनेगा दूसरा, उसमें आप देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।